तो वही ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। तो देखिए ये उनका ट्वीट है, अखिलेश यादव ने किस तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर अपने घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण भी छीन लेगी। तो इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अब सहानुभूति दिखा रही है। तो इस पूरे फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ और अहम बातें कही हैं, अब वो आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण